जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफा फिर से आप लोग को अपने प्रोग्राम, अपने चैनल हल टीवी में खुश आमदीद कहूंगी। मैं हूँ आज के इस प्रोग्राम की मेजबान मेघा मादर। आज एक दफा फिर आप लोग के साथ यहाँ पर मुलाकात हो रही है एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर। बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो आजकल बहुत देखने में आ रहा है, उसकी वजह क्या है, उसको किस किन किन चीज़ों से जो है वो रोका जा सकता है। तो आज जो है वो हमारे साथ बहुत ही मौजूद और काबिल एहतराम मेहमान भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इसकी वजह क्या होती है और इसको किस किन किन चीज़ों से कम किया जा सकता है। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, मैम अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है मैम। सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आपके कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में, हमारे जितने भी व्यूवर्स यहाँ पर, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ तक हमें देखा जा रहा है, तो आप अपने बारे में काइंडली उन्हें बताइए। अच्छा, आई एम डॉक्टर नूरुल हुसैन। आई एम वर्किंग हियर एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। मैंने अपना जर्नल ऑफ्थेल्मोलॉजी में FCPS किया है इन 2020 सही। फ्रॉम KTH, और उसके बाद मैंने अपना सेकेंड FCPS पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी में किया है फ्रॉम HMC। आई डिड इट रिसेंटली इन जुलाई 2023। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में जी रिफ्रैक्टिव एरर, जैसे देखा देखने में आता है, तो आपके पास जैसे छोटे बच्चे आते हैं, आप जो है वो उनको चेक करती हैं। सो मैम, आप ये बताइए कि रिफ्रैक्टिव एरर बेसिकली पहले होता क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है? अच्छा, बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है, एरर इन फोकसिंग सिस्टम ऑफ द आई। ठीक है, इसमें अब दो तरह के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं अगर हम ब्रॉडली इसको जी क्लासिफाई करें बच्चों में। तो एक होता है मायोपिया, जिसमें बच्चे दूर का नहीं देख सकते, बिल्कुल बेसिकली वो शॉर्ट साइटेड होते हैं, जी नज़दीक की चीज़ें उन्हें क्लियर नज़र आती हैं लेकिन उनको दूर की विजन में इश्यूज़ होते हैं। और एक दूसरा हमारे पास जो होता है वो है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें पेशेंट को नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन दूर की चीज़ें उसको क्लियरली नज़र आती ठीक हैं। है, ये दो हैं हमारे पास बेसिकली। सही। तो अभी बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा एरर जो है वो देखने में आता है, सबसे ज्यादा केसेस किस आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं? अच्छा, बच्चों में स्पेशली अभी जो है ज़्यादा जो है वो मायोपिया कॉमन है, ठीक है। और इसके बहुत जो हैं कॉजेज़ हैं, जिसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बच्चों की इनडोर एक्टिविटी है, यानी मोबाइल यूज़ है, नियर वर्क उनका बहुत ज़्यादा है, वो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा गेम्स, अपने रेगुलर जो उनके काम हैं यानी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उसके अलावा उनका मोबाइल टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मायोपिया बहुत कॉमन हो रहा है बच्चों में। ठीक है। बच्चों का आउटडोर जो उनका जो प्लेइंग टाइम है वो रिड्यूस हो चुका है इस वजह से। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसने मायोपिया को बहुत ज़्यादा कॉमन कर लिया है इन पीडियाट्रिक एज। क्योंकि मैम आपकी बात ठीक है ना, वही बात है कि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब इवन बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है तो वो भी उनके पास टैबलेट्स होते हैं, सेलफोन्स होते हैं, उस पे बिल्कुल उनकी पढ़ाई हो रही होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे में रिफ्रैक्टिव एरर है? अच्छा, अब वालिदैन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी वो कीनली ऑब्जर्व करें अपने बच्चों को। ठीक है। ठीक है, एक तो सबसे पहले बच्चा जो है वो आता है पेरेंट्स के पास इस कंप्लेन के साथ कि हमें हेडेक हो रहा है, सर दर्द का उनको इशू होता है। कभी कभी बच्चे आते हैं विद आई स्ट्रेन, वो कहते हैं सिर्फ आंखों में दर्द हो रहा है। तीसरा जो हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है पेरेंट्स के पास जो हो सकती है, बच्चे उनको ये कह सकते हैं कि हमें बोर्ड नहीं नज़र आता जी क्लासरूम में। चौथा जो वालिदैन खुद असेस कर सकते हैं वो ये है कि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा, यानी कि उसको चूंकि ब्लर उसकी विजन है, उसको नज़र ठीक नहीं आ रहा, उसकी राइटिंग ठीक नहीं है, जिस पे उसका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो उसका ठीक नहीं जाता। और चौथा जो है जो वो खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है स्क्विंटिंग, यानी उसकी सही है। आई जो है वो डेविएट हो जाएगी। ये हर बच्चे में नहीं होती, ठीक है, किसी बच्चे में स्क्विंट होता है किसी बच्चे में नहीं होता, लेकिन ये वो चीज़ है जो वालिदैन जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो फिर उसके साथ वो अगर वो ये चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसी वक्त एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके लिए वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं सही और है, इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कि उनके बच्चे में ये इशू है या नहीं। ठीक है। तो मैम आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चे में रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो जैसे जैसे आता जाता है, तो फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बच्चे जैसे नॉर्मली ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, अब बच्चों में तो बहुत कम उसमें देखा गया है कि बच्चे लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे लेंस यूज़ करें या ग्लासेस यूज़ करें
तो वो उससे उनको कितना फायदा हो सकता है? देखिए, रिफ्रैक्टिव एरर जो है उसका सबसे पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, वो ग्लासेस होती है, ठीक है. वो उसके साथ करेक्ट हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस बच्चों में हैंडलिंग भी मुश्किल है, उसकी एप्लीकेशन भी मुश्किल है, फिर उसकी कंप्लाइंस बड़ी अच्छी जी नहीं जी होती। तो स्पेक्टिकल्स हम लोग देते हैं और फिर स्क्रीनिंग पे उनको रख लेते हैं, फॉलोअप्स जी पे रख लेते हैं, जिसमें हम रेगुलरली चेक करते हैं कि ऑन द फर्स्ट विजिट उनकी विजन क्या थी और फिर विद ग्लासेस यूज उनकी विजन क्या है। और इसमें हम इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। अक्सर हमें पेशेंट को पैचिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप रिफ्रेक्टिव एरर करेक्ट नहीं करते तो जिस आई में ज़्यादा रिफ्रेक्टिव एरर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लेजी आई बन जाती है। सही. लेजी आई का ये मतलब है कि उसमें फिर विजन जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो ये रुक जाती है, बच्चा एक ही आंख चूज करता है और उसी आंख को डोमिनेंट बना लेता है और उसमें अपनी विजन उसकी मेंटेन रहती है, और जो जी लेजी आई होती है वो विजन मेंटेन नहीं रख सकती। ठीक. तो रिफ्रेक्टिव एरर करेक्शन के साथ साथ फिर हम एमएलओपिया थेरेपी बच्चों को देते हैं, फिर उससे भी विजुअल एक्विटी करेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सही. तो मैम, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए इस टाइप की कुछ खास एक्सरसाइजेस हैं कि जो कि बच्चा वो एक्सरसाइजेस करे तो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा? अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मायोपिया जो है वो बहुत जी ज़्यादा, उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। तो हम पेरेंट्स को यही एडवाइस देते हैं कि सबसे पहले अपने घर से मोबाइल यूज़ जो है वो जी बिल्कुल, मैं मिनिमम नहीं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि आप मिनिमम बच्चों को साथ नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप उसके मोबाइल यूज़ को कम करें, आप ख़त्म कर दें उसको। दूसरा ये है कि आपने मायोपिया कंट्रोल के लिए आपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी करवानी है मिनिमम 2 आवर्स, जहाँ पे उनकी ब्रॉड विजन हो, वो दूर आसमान तक देख जी सकें और उनकी विजन डेवलपमेंट उसकी बेहतरी की तरफ जा सके। ठीक है. तो मैम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि आप जो है वो हमारे जितने भी इस टाइम देखने वाले साथी, जहाँ जहाँ तक जो है वो आपकी आवाज़ को सुना जा रहा है या देखा जा रहा है, तो मैम आप उनको, पेरेंट्स को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आखिर में? अच्छा, मेरा मैसेज तो पेरेंट्स के लिए यही है कि अगर आपका बच्चा कंप्लेन करे या ना करे तो आपने अपने पेशेंट का स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें आके, स्पेशली 2 ईयर्स से अबव अपने बच्चों का रिफ्रेक्टिव एरर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो करवा लें, ताकि अगर है तो वो करेक्ट हो जाए, और अगर नहीं है तो तब भी आप लोग जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जी जो कि आप अनआइडेंटिफाई रहती हैं आप उससे बच सकते। ठीक है. मतलब कितने मंथ्स के बाद जो है वो फिर चेकअप करवाना चाहिए बच्चों का? हम 6 मंथली जो है ये फॉलोअप रखते हैं, ठीक है. लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कभी कभी हमें लगता है कि इसमें फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है नंबर, तो उसको हम अक्सर 3 मंथली फॉलोअप पे भी रखते हैं, जी लेकिन जो रेगुलर फॉलोअप है वो 6 मंथ्स का सही. है। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी, आपने जो है वो हमें इतनी अच्छी बातों से जो है वो आपने आगाह किया. सो थैंक यू सो मच. इसी के साथ साथ जो है वो आप मुझे और आज के हमारे प्रोग्राम की जो मेहमान थी डॉक्टर नूरुल हुसैन, उनको दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोग के साथ फिर एक नए मेहमान और एक नए टॉपिक के साथ जो है वो मुलाकात होगी. तब तक दीजिएगा इजाज़त. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम. अल्लाह हाफिज़.